आपको आज की इस वीडियो में पैन कार्ड बनाने का न्यू प्रोसेस दिखाने वाला हूं। 10 मिनट के अंदर ही आप अपना पैन कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, जब पैन कार्ड आप बनाओगे, इस पैन कार्ड को बनाने के लिए आपको एक भी रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पैन कार्ड बनाने की तरीका आपको बताने वाला हूँ, और इस काम को आप अपना मोबाइल फोन से ही कर सकते हैं। जानकारी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे भी हेल्पफुल नॉलेज वीडियो पाना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पैन कार्ड बनाते हुए कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी टेक्निकल मिथुन इंडिया स्क्रीन पर शो कर रहे, आप मैसेज कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको न्यू पैन कार्ड बनाने के लिए इनकम टैक्स ऑफिशियल साइट पे आना पड़ेगा, तो इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके लिए आपका जो मोबाइल का वर्जन है आपको डेस्कटॉप मोड में ऑन कर लेना है। इसके लिए आपको राइट साइड में 3 डॉट पर क्लिक करना है और नीचे यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइट कर लेना है। इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। पैन कार्ड बनाने के लिए आपको नीचे स्लाइड ऑन करके आना है, और यहाँ पर आपको पैन कार्ड की बहुत सारे सर्विस मिल जाएगा। आपको इंस्टेंट ई पैन कार्ड बनाने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, स्टैंड ई पेन, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ई पेन, तो यहाँ पर आप दोस्तों आपको यहाँ पर 4 पॉइंट दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईजी पेपरलेस प्रोसेस, गेट ई पेन विद 10 मिनट, यानी 10 मिनट के अंदर ही आपका पेन कार्ड मिल जाएगा। होल्ड नेम वैल्यू एज फिजिकल पेन कार्ड, यानी दोस्तों आपका जो प्लास्टिक कार्ड का जो वैल्यू है ई पेन कार्ड का भी सेम वैल्यू है। चौथा पॉइंट आप देख सकते हैं, ऑल यू नीड इज आधार कार्ड एंड लिंक मोबाइल नंबर, और आपकी आधार कार्ड के साथ एक मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तो नेक्स्ट नीचे सेलेक्ट डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, गेट न्यू ई पेन, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट इंटरफेस इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको 4 पॉइंट को कंप्लीट करना है। पहला इंटर आधार नंबर, तो नेक्स्ट नीचे सेलेक्ट डाउन करेंगे, आपका जो पैन कार्ड बनेगा परमानेंट पैन नंबर होगा। यहाँ पर पहले नंबर में आप देख सकते हैं, दूसरा पॉइंट में यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास आधार नंबर लिंक मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, और आपका आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आधार नंबर इंटर करेंगे, बॉक्स में चेकआउट करेंगे, नेक्स्ट कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट सेलेक्ट डाउन करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आपकी आधार लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया है, उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं योर पर्सनल डाटा बेस ऑन आधार ईकेवाईसी, आपका जो आधार डिटेल्स है, आधार डिटेल्स से आपका जो डिटेल्स है वो फाइंड कर लिया जाएगा, और आपका जो डिटेल्स है यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना डिटेल्स को वेरीफाई कर लेना है। पैन कार्ड के साथ आप ईमेल आईडी लिंक करना चाहते हैं तो लिंक ईमेल आईडी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना ईमेल आईडी इंटर करेंगे, नेक्स्ट सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपने जो ईमेल आईडी इंटर किया उस ईमेल आईडी पर ओटीपी गया है, उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करेंगे, नेक्स्ट सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो ईमेल आईडी जो है हमारा यहाँ पर वैलिड हो चुका है। नेक्स्ट बॉक्स में चेकआउट करेंगे, आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट डाउन करेंगे, नेक्स्ट कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट इंटरफेस दोस्तों आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 4 जो पॉइंट है यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नीचे सेलेक्ट डाउन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं योर रिक्वेस्ट फॉर ई पेन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाता है, इससे आप अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं। और 10 मिनट के बाद आपका जो पैन कार्ड है वो आप ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं। कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको इनकम टैक्स की होम पेज पर आना होगा। नेक्स्ट सेलेक्ट डाउन करेंगे, नेक्स्ट इंस्टेंट ई पेन पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने पैन कार्ड अप्लाई किया, पैन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए या पैन कार्ड स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं चेक स्टेटस डाउनलोड पेन, तो यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट सेलेक्ट डाउन करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार नंबर, तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर इंटर करना है, बाद नेक्स्ट कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आपका आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया है, उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 पॉइंट हमने कंप्लीट कर चुका हूँ। नेक्स्ट सेलेक्ट डाउन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं करंट स्टेटस ऑफ योर न्यू ई पेन रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर अभी पेंडिंग में है, क्योंकि अभी अभी हमने रिक्वेस्ट सबमिट किया हूँ तो इसलिए पेंडिंग में है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं थैंक यू फॉर यूजिंग ई पेन सर्विस, वी आर वैलिडेटिंग योर डिटेल्स
प्लीज चेक आफ्टर एन आवर, यानी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है एक घंटा बाद आप यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको पैन कार्ड बनाने का और पैन कार्ड डाउनलोड करने की प्रोसेस कंप्लीट प्रोसेस दिखाया हूँ इस